देख रहा है विनोद, नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री है ये हैं, उधर नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता, शरद पवार भी लाइन में, और तुम क्या कर रहा है जी? प्रधानमंत्री तो भारी बड़का बात है भैया, भकरे पर्चा छपवा और उतर जा मैदान। तो गुरु, पंचायत के विनोद ना सही, लेकिन पीलीभीत के विनोद ने अपना पर्चा छपवा दिया है, वो भी सीधे भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए। बिल्कुल कर्रा पोस्टर दे मारा है, लाइन भी तगड़ी लिखी है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए कर्मठ, ईमानदार, जुझारू और संघर्षशील प्रत्याशी विनोद। अब आप प्रधानमंत्री बनने का प्रोसेस तो बूझते होंगे, पहले सांसद बनिए, फिर बहुमत मिल जाए तो संसदीय दल के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री बन जाइए। लेकिन वरुण गांधी के संसदीय इलाके पीलीभीत के विनोद सीधे प्रधानमंत्री बनने की तैयारी शुरू कर चुके हैं, गांव-गांव में पर्चा चिपकवा दिया है, और पर्चा भी बड़ा जालिम है। भारत के प्रधानमंत्री पद के कर्मठ, ईमानदार, जुझारू एवं संघर्षशील प्रत्याशी विनोद ने पीलीभीत में अपना प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। मोदी को टक्कर देने के लिए पोस्टर पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की फोटो तो लगी है, साथ ही साथ महात्मा गांधी की भी फोटो है। ऐसी एकता बनाई है कि विपक्ष तो छोड़िए, बीजेपी भी भड़बड़ा जाएगी। पोस्टर में बिल्कुल बीजेपी की तरह सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान का नारा भी दिया गया है। नारे पर विनोद का जोर ज्यादा है, नारे पर नारे दे मारे हैं। नारा नंबर 2 सुनिए, संघर्षों से लड़ना सीखा, संघर्ष हमारा नाता है, सत्ता का कोई शौक नहीं, बस आप सबों के हितों से नाता है। नारा नंबर 3 सुनिए, किसी प्रकार का ना जातिवाद ना भेदभाव, विनोद जी अब की बात, यहां तक तो फिर भी फानी है, चुनाव चिन्ह तो लाफानी है। विनोद का चुनाव चिन्ह है सूंड वाला छोटा हाथी। इस चुनाव चिन्ह का क्लेम मायावती चुनाव आयोग से कैसे करेंगी, क्योंकि ये सूंड वाला छोटा हाथी है। पोस्टर में नंबर और पता भी है, जो फोन नंबर दिया गया है वो गलत है। जनता भी पोस्टर को देखकर धुआं उठाए है, मतलब विनोद ने गीता देवी और रामबेटी से प्रधानमंत्री पद के लिए वोट मांग लिया और आश्वासन भी मिल गया है। प्रधानमंत्री के वोट पर रहे इसलिए लगाए गए, अब जाना पता कहाँ के हैं। तूने पूछी ना उनसे? ना। तुम्हारी उनसे बात भी उन्हें क्या बताओ? हमने उनसे सिर्फ जा पूछी कि जे कहाँ भैया वोट पर रहे, तो बोले प्रधानमंत्री के पर रहे। अच्छा, कब ना पूछे, कब पढ़ रहे हैं? ना, घर पे हमारे कोई ना, इसलिए हम अकेले, इसलिए ना पूछी। कहीं वोट डालना, वोट के आए, कहाँ के वोट मांगे? जे ना बताया का एक वोट है। हाँ। फिर आऊंगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के साथ लड़ रहे हैं जी? उसे वोट मांगना है थे। हाँ। जानती हो ही नहीं? जानती तो ना, ऐसे अब बच्चों जानते होंगे। कुल मिलाकर एक चीज याद रखना है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए कर्मठ, ईमानदार, जुझारू एवं संघर्षशील प्रत्याशी विनोद। पीलीभीत से सौरभ पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।